नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, आज 12 जनवरी 2023 है और गुरुवार का दिन है। 12 जनवरी 2023 पूर्व फागुनी नक्षत्र और कन्या राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। हमने 2 हफ्ते पहले एक शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट जो है एक बार नीचे का स्तर दिखाना शुरू कर देगा। 13 और 14 तारीख को सूर्य जो है वो शनि की राशि में संक्रमण कर देंगे, इसीलिए मकर संक्रांति जो है आ जाती है। सूर्य और शुक्र जो है वो मकर राशि में रहेंगे और शनि जो है कुछ पंचांगों के माध्यम से 17 तारीख को और कुछ पंचांगों के माध्यम से 23 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुंडली देखें, तो पिछली बार मैंने बोला था कि 23 तारीख से पहले बाजार में एक बार फिर घिसरन आएगी। आज हम बात करते हैं कि बाजार कहां तक जा सकता है। सूर्य और शुक्र की युति मकर राशि में रहेगी और आप शनि जो है वो कुंभ राशि में 17 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे। गुरु स्वग्रही में मीन राशि में रहेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आज का आंकड़ा कुछ 59,800 चल रहा है। इसका ऊपरी स्तर जो है वो मैं वापस 60,500 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ और पॉसिबल है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है नीचे की तरफ 23 जनवरी से पहले एक बार जो मकर संक्रांति शनि जो है सूर्य जो है वो मकर राशि में रहते हैं एक बार ये वापस नीचे की तरफ घिसरन करे और पॉसिबल है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 56,800 का आंकड़ा एक बार वापस छू जाए। इसी तरह निफ्टी 50 की बात करें, हमने बोला था कि 18,400 के ऊपर नहीं जाता दिखाई देता, आज में निफ्टी 50 17,800 को वापस छू गया है, यानी हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक मार्केट एक बार नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देती है। और अभी बजट की भी बात होती है, बजट के पहले भी एक प्री रैली या प्री सेलिंग होती है, FIIs भी सेल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं NSE जो है इसको मैं ऊपर का आंकड़ा 18,100 के ऊपर नहीं देखता और नीचे का आंकड़ा जो है वो 17,600 या 17,500 एक बार आपको देखने को मिलेगा। पिछले प्रेडिक्शंस में, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक सबसे बड़ा सेक्टर है कि आपको स्टील सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। स्टील सेक्टर जो है यहाँ से वापस 20-25% अगले 6 महीनों से 1 साल में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें टाटा स्टील मुझे मुख्यतः आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और छोटी बैंकें जो हैं, जैसे छोटी बैंकें हैं, यस बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, यूको बैंक है, IDFC बैंक है, छोटी बैंकें जो हैं उनको आप कहीं ना कहीं यहाँ से 20-25% बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बैंकिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर पे ध्यान दे और हर सौदे में स्टॉप लॉस रख कर काम करें। स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा और अगर सेलिंग भी करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस जरूर रखें। सोने में अगर देखा जाए तो सोने की भविष्यवाणी हमारी 100% सत्य हुई, 56,000 को पार कर गया सोना। अगले 3 से 4 हफ्ते में सोना 57,800 का आंकड़ा पार कर सकता है और नीचे का स्तर जो है 55,400 दिखाई देता है, पर नीचे कम दिखाई देता है। चांदी में भी बढ़त दिखाई देगी, चांदी 72,000 ऊपर का आंकड़ा, नीचे का आंकड़ा 67,600, मगर ऊपर का आंकड़ा 72,000-73,000 भी हो सकता है। वापिस फिर मैं इसी मार्गदर्शन हेतु आपके साथ मिलता रहूंगा, तब तक नमस्कार।